चलिए, तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि जो बिरसा मुंडा है वो ये जो ईसाई मिशनरीज थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनके भी अगेंस्ट में थे। साथ ही जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स या जो हिंदू मनी लेंडर्स थे उनके भी अगेंस्ट में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनके भी अगेंस्ट में थे। अब बेसिकली जो बिरसा मुंडा का टारगेट है वो इन सभी लोगों से क्या करना है, मुक्ति पाना है और अपना जो ग्लोरियस पास्ट था, अपनी जो पुराना गोल्डन एज था, उसे वापस से क्या करना है, रिकवर करना। ठीक है, तो बिरसा मुंडा वांटेड टू ड्राइव आउट। ठीक है, बिरसा मुंडा किन्हें भगाना चाहते हैं, किन्हें दूर हटाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा वांटेड टू ड्राइव आउट। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज, और क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर बात की जाए तो इनसे क्या प्रॉब्लम है, इनसे क्या इशू है, ये लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी सॉरी, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियनाइजिंग देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, इनकी जो परंपराएं हैं ट्राइबल्स की, उनको पूरी तरह से, उनका पूरी तरह से ईसाईकरण किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से क्रिश्चियनाइजिंग किया जा रहा है। ठीक है, क्रिश्चियनाइजिंग देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है, या इसको हम इस तरह से समझें कि क्रिश्चियन मिशनरीज के कारण जो, या क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करती हैं कि जो ट्रेडिशन और जो कल्चर फॉलो किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा, उसे एक प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये एक बात थी, ये एक प्रॉब्लम थी, और फिर इस बात का फायदा उठाते हुए उन्हें क्रिश्चियन धर्म में या क्रिश्चियनिटी में एक्सेप्ट करने की बातें उनसे बोली जाती थी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझें कि क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, ईसाई मिशनरीज या धर्म उपदेशकों के द्वारा, जो जो ट्राइबल्स के या जो जनजातीय लोगों के जो ट्रेडिशन थे, उनके जो परंपरा थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिश्चियनाइजिंग की जगह क्या लिखेंगे, क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। ठीक है, देयर ट्रेडिशनल तो जो ट्रेडिशनल कल्चर थे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, इसलिए इन्हीं के अगेंस्ट में है। और उस समय पर ना, जिस दौर में बिरसा मुंडा का डेवलपमेंट हो रहा था, उस दौर में क्रिश्चियन मिशनरीज का काफी बोलबाला था, काफी ज्यादा इनका हस्तक्षेप था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में। दूसरा हम बात कर रहे हैं मनी लेंडर। मनी लेंडर्स या जो सूदखोर थे, ठीक है, जो क्या करते थे, ब्याज पर पैसा देते थे, और जो ब्याज की दरें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी। और जब देखिए, ये जो गरीब किसान या फिर जो ट्राइबल लोग थे, ये लोग काफ़ी आसानी से इनके बहकावे में आ जाते थे और इनके इनका शिकार बन जाते थे। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर बहलाकर फुसलाकर पैसे दे दिया करते थे, और फिर बाद में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, इस तरह के साइन किए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता था। ठीक है, दूसरा हिंदू लैंड लॉर्ड्स, मनी लेंडर्स के अलावा हिंदू लैंडलॉर्ड्स का मतलब भूस्वामी, या हम बोल सकते हैं जमींदार। ठीक है, उस समय के जो जमींदार थे वो, ये दोनों लोगों, या ये जो दोनों के दोनों वर्ग थे, ये दो दोनों की दोनों कम्युनिटीज थी, इनके भी अगेंस्ट में थे। इसका कारण ये था कि देवर टेकिंग ओवर देयर लैंड। ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग
इनकी जमीनों को हड़प लेते हैं, ठीक है। ये जो दोनों कम्युनिटी के लोग थे, ये लोग इनकी जमीनों को हड़प लेते थे, ठीक है। किस तरह से मनी लेंडर्स ने, अगर अगर किसी ट्राइबल ने कोई पैसा उधार लिया है ब्याज पर और अगर वो नहीं दे पाया है तो ये उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। एज इट इज लैंडलॉर्ड्स का था, लैंडलॉर्ड्स को अगर ब्याज नहीं मिलता, को अगर रेंट नहीं दे पाते थे, ठीक है, यदि उन्हें लगान नहीं दे पाए तो भी ये उनकी जमीनों को हड़प लेते थे, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए, देवर टेकिंग ओवर देयर लैंड, ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी इन तीन कम्युनिटी से। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट का मतलब यहां पे होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, अंग्रेज सरकार से। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या इशू है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉस बनाए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो देखा जाए तो इनके ट्रेडिशनल रिचुअल्स को, परंपराओं को, लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लॉस वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, ठीक है, लॉस वर डिस्ट्रॉइंग जो इनका परंपरागत भूमि सिस्टम था, जो लैंड सिस्टम था, उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। और ये कानून कौन बना रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। तो जहां तक हम बात करें ट्राइबल्स की, तो ये जंगलों पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं, फॉरेस्ट को अपने अपनी जमीन मानते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट लगभग इनका है, ऐसा इनकी फीलिंग है, ऐसे इनके विचार हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के शासन के समय फॉरेस्ट को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना गया, फॉरेस्ट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल का अधिकार होने लगा। और फिर जब फॉरेस्ट पर ये सब सारी चीज़ें हुई तो ट्राइबल्स जो है गवर्नमेंट के क्या हो गए हैं, अगेंस्ट में आ गए हैं, इनके खिलाफ आ गए हैं, क्योंकि इनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है और उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इन लॉस के माध्यम से जो गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये सारे के सारे बातें थी जिसके कारण जो बिरसा मुंडा थे वो अगेंस्ट में थे क्रिश्चियन मिशनरीज के, मनी लेंडर्स के, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के, और साथ ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसके, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने क्या किया है, बिरसा मुंडा ने आइडेंटिफाई कर लिया है ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिसरी द मुंडास वर सफरिंग, ठीक है। तो ये सब कारण थे जिसके कारण जो मुंडा कम्युनिटी या मुंडा ट्राइबल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में थे, काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने अपना जो मूवमेंट था उसे स्प्रेड करना शुरू किया, उसे विस्तृत करना शुरू किया, उसे फैलाना शुरू किया, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट इन्होंने अपनी जो कम्युनिटी थी उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कि अपने विलेजेस को क्लीन करना, अपने गांव को साफ सुथरा रखना, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो गलत आदतें हैं जैसे ड्रिंकिंग, लिकर, इन सारी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की। देन फिर हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, अपनी परेशानियों को कलेक्ट किया है, और उन्हें समझ में आया है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज करती है, मनी लेंडर्स और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी जमीनों को छीन रहे हैं, साथ ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इस तरह के कानून बना रही है जिससे कि इनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम इन सभी लोगों से थी, इसीलिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। ब्रिटिश जैसे ही इन्होंने ये मूवमेंट शुरू करने की योजना बनाई, प्लान बनाया है, वैसे ही ब्रिटिशर्स को भी ये जानकारी पता चलती है, ब्रिटिशर्स को भी ये पता चलता है, अंग्रेज सरकार को भी पता चलती है, बात पता चलता है कि जंगलों के अंदर से कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, जंगलों के अंदर से आंदोलन की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, ठीक है। वो दौर ऐसा था, वो समय इस तरह से था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिवोल्ट को कंट्रोल करती और दूसरा रिवोल्ट हो जाता था, ठीक है। तो कई सारे रिवोल्ट उस समय पर चल रहे थे, 1857 के बाद का जो दौर है ना उसमें कई रिवोल्ट हम देखते हैं, जिसमें पीजेंट्री मूवमेंट या पीजेंट्री रिवोल्ट, किसान आंदोलन अपनी जगह पर है, जैसे हमने 1859 में जो बंगाल में मूवमेंट हुआ उसको डिस्कस किया हमने, जिसे नील आंदोलन या नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने अभी अभी जो मूवमेंट पढ़ा था 1872-80 जो पावना मूवमेंट था, पावना आंदोलन, ठीक है। तो इस तरह से ना किसान आंदोलन चल रहे थे,
ट्राइबल्स के मूवमेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कोल मूवमेंट वगैरह वगैरह, तो इस तरह से कई मूवमेंट हुआ करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे जंगलों के अंदर से जो मूवमेंट शुरू हो रहा था मुन्ना मूवमेंट, इसकी सुगबुगाहट जैसे ही गवर्नमेंट को लगती है, गवर्नमेंट को पता चलती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे काफी एक्टिव होती है। गवर्नमेंट तुरंत ही इस पर प्रतिक्रिया लेती है और दे अरेस्टेड बिरसा मुंडा इन 1895। बिरसा मुंडा को 1895 में क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन 1895 बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड। बिरसा मुंडा को तुरंत ही क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है 1895 में, और 1895 के बाद इन्हें 2 साल 2 ईयर्स इन्हें क्या किया गया, जेल में रखा गया। ठीक है, 2 ईयर्स की इन्हें इम्प्रेसनमेंट या 2 साल की इन्हें जेल हुई, 2 साल ये कैद में रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर। ठीक है, कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस फॉर रियोटिंग, और इन्हें किस अपराध के लिए कैदी बनाया गया, किस अपराध के लिए दोषी पाया गया, तो इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए, इनके ऊपर ये दोष लगाया गया कि ये एक प्रकार से दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रकार से रियोट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रियोटिंग, तो रियोट या दंगों के कारण इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, इस अपराध में इन्हें अरेस्ट किया गया था। तो इन्हें जेल होती है फॉर 2 ईयर। ठीक है, जेल्ड हिम फॉर 2 ईयर, 2 सालों की इन्हें जेल होती है, 2 वर्ष की इन्हें जेल होती है। और बिरसा वॉज रिलीज इन 1897, 1897 में, इन 1897 बिरसा मुंडा को आजाद किया जाता है, बिरसा मुंडा रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इन 2 सालों में, इन 2 ईयर्स में इनका जो मूवमेंट था वो समाप्त नहीं होता, इनका मूवमेंट खत्म नहीं होता है। अपने ग्राउंड लेवल पर लोगों के अंदर भी विद्रोह था, लोगों के अंदर भी एक देखा जाए तो इन सारी चीज़ों के कारण परेशानियाँ थी और एक मूवमेंट पनप रहा था। तो जैसे ही ये अपनी जेल से वापस आते हैं, अपनी कैद से छूटते हैं, ये अगेन लोगों को गैदर करना शुरू करते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। कब, 1897, 2 ईयर के बाद, इन 1897 में, 1897 में ये रिलीज होते हैं, ये कैद से आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, 1897 में जब ये आज़ाद हुए हैं तो फिर इन्होंने अपना जो सपोर्ट था, अपने लोगों को इकट्ठा करना, गैदर करना क्या किया, इकट्ठा किया। ठीक है, अर्ज द पीपल टू डिस्ट्रॉय, और साथ ही इन्होंने अब लोगों से ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है, अर्जिंग की है कि अब हमें डिस्ट्रॉय करना है यूरोपियंस को, जो विदेशी रूलर्स हैं, जो विदेशी सरकार है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्हें क्या करना है, पूरी तरह से समाप्त करना है, इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो ये कोशिश इन्होंने शुरू कर दी है, ये मूवमेंट इन्होंने शुरू कर दिया है जैसे ही ये रिवोल्ट, जैसे ही ये कैद से आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये कैद से आज़ाद होते हैं, ये पुनः अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और अगर देखा जाए तो बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो भी वो क्या करते हैं, यहाँ पे टारगेट करते हैं, टारगेट किसको करते हैं, यूरोपियंस को, और जो भी उनके नुकसान उनके प्रॉब्लम के कारण थे, लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, इन सभी लोगों को खत्म करने का टारगेट इनके और इनके फॉलोअर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दे अटैक द पुलिस स्टेशन एंड चर्चेस एंड राइडेड द प्रॉपर्टी मनी लेंडर्स एंड जमींदार। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन पर, पुलिस चौकियों पर हमला किया जाता है, चर्च पर हमला किया जाता है, जो मनी लेंडर्स थी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं, जमींदारों पर हमला करके उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी अब इनके लोगों के द्वारा, इनके समूह के द्वारा परफॉर्म की जाती है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये सब इनके दुश्मन है, मनी लेंडर्स हो गए हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो गए हैं, साथ ही ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हो गई हैं, ठीक है ना, और जो पुलिस स्टेशन हो गए हैं, गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों को नुकसान पहुंचाकर भी अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि इस तरह से इन्होंने अपने मूवमेंट को शुरू किया और इन्होंने अटैक किए किस पर, चर्च पर, मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टी को हड़पा है, कब्जा कर लिया है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऊपर कब्जा किया है। दे राइज द व्हाइट प्लेग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। ठीक है, तो अब देखिए, लोग चाहते ये थे, इनका बेसिक पर्पस ये था, पॉलिटिकल जो अगर देखा जाए, इनकी इच्छा ये थी कि एक बिरसा राज शुरू किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश रूल खत्म करेंगे, ब्रिटिश शासन खत्म करेंगे, और जो पुराना सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम था, जो वर्षों से चला आ रहा था जंगलों का,
तो यहाँ पे बिरसा राज शुरू किया जाएगा। बिरसा राज में क्या होगा कि जो बिरसा मुंडा है वो रूलर बनेंगे, वो शासक बनेंगे। इस तरह का कुछ इनके पॉलिटिकल एस्पायरेशन से कुछ इनकी राजनीतिक इच्छाएं थी, ठीक है। तो दे राइज्ड द व्हाइट फ्लैग, अब इनके फॉलोअर्स ने और इनके द्वारा एक सफेद झंडा अपना सिंबल के रूप में उठाया गया अगेंस्ट ब्रिटिश राज, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ठीक है। दे राइज्ड द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, बिरसा राज के सिंबल के रूप में और ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट इन्होंने कौन सा फ्लैग उठा लिया है, कौन सा झंडा उठा लिया है, तो व्हाइट फ्लैग इन्होंने उठा लिया है अपने रिवोल्ट के लिए, अपने बिरसा राज के सिंबल के रूप में, ठीक है। अब देखिए लेकिन क्या होता है, बिरसा मुंडा की काफी जल्दी ही काफी छोटी उम्र में या काफी कम एज में ही डेथ हो जाती है। तो हम बात करें इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई 1900 में इनकी डेथ हो जाती है, 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु का कारण था कोलेरा या हैजा की बीमारी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि 19 ड्यू टू कोलेरा ही वॉज डेड, बिरसा डेड इन 19 ड्यू टू कोलेरा। तो कोलेरा या हैजा की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 में, ठीक है, 1900 में इनकी मृत्यु हो गई है। बट अगर देखा जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मूवमेंट था उसका जो सिग्निफिकेंस यहाँ पे है, उसका जो महत्व है, वो यहाँ पे हमें दो तरीकों से पता चलता है, ठीक है। जो मूवमेंट शुरू किया गया था बिरसा मुंडा और उनके सहयोगी उनके साथियों के द्वारा, वो मूवमेंट का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है, जो हमें आगे के समय में देखने को मिलता है, जिसके इम्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि बिरसा मुंडा ने जब मूवमेंट शुरू किया और उस मूवमेंट को चलाने के पीछे का कारण ये था कि उनके ऊपर हमले हुए थे, उनके ट्रेडिशनल रिचुअल्स पर हमले हुए थे, उनके लैंड सिस्टम पर हमले हुए थे, इस कारण से इन्होंने मूवमेंट चलाया था। और ये किसने किया, ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने किए, लैंड लॉर्ड्स ने किए, हिंदू लैंड लॉर्ड्स ने, साथ ही मनी लेंडर्स ने और गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अब यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट या इस तरह के रिवोल्ट नहीं चाह रही है बिल्कुल भी, क्योंकि पहले से ही काफ़ी मूवमेंट थे। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बिरसा मुंडा की अभी डेथ हुई है, अभी मृत्यु हुई है, और आगे से कोई और बिरसा मुंडा खड़ा हो, आगे से कोई और इस तरह से मूवमेंट जंगलों से शुरू करे, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो अब क्या होता है, इसका इम्पेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉस सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाई ड्यूक्स। तो यहाँ पे ये बात बोली गई या यहाँ पे इस तरह के कानून बनाए गए, इस तरह के लॉस बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो ट्राइबल्स की जमीनें थी, जो जनजातीय क्षेत्र की जमीनें थी, उसे इजीली या सरलता के साथ किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी लैंडलॉर्ड्स मनी लेंडर्स या इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी इजीली उसे पर कब्जा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये रूल्स रेगुलेशंस अगर देखे जाएं तो आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं, और आज भी अगर हम देखें तो ट्राइबल एरियाज की जो ज़मीनें हैं, ट्राइबल क्षेत्रों की जो ज़मीनें हैं, उस पे उन ज़मीनों को परचेस करना, उन ज़मीनों को खरीदना या उन ज़मीनों पर कब्जा करना काफ़ी मुश्किल काम है, उसके लिए अलग से लॉज बनाए गए हैं संविधान में भी, ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट ये ऐसे कानून बनाती है, इस तरह के लॉज बनाती है। इट फोर्स, इस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट फोर्स के कारण, दबाव के कारण ऐसे लॉज बनाती है, ऐसे नियम बनाती है, जिसके तहत द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द ड्यूक्स। तो इजीली जो है उनकी जमीनों पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे लॉज बन जाते हैं। और साथ ही हमें ये पता चलता है, साथ ही इन मूवमेंट से ये बातें समझ में आती है कि अगर अत्यधिक अत्याचार किसी के ऊपर किए जाएंगे, अत्यधिक अगर एक्सप्लोइटेशन किसी का किया जाएगा, तो वो मूवमेंट करेगा, वो रिवोल्ट करेगा, और उसका रिवोल्ट यहाँ पे सक्सेस होगा। और ट्राइबल्स जो हैं वो कमजोर वर्ग नहीं है, वो भी एक पावरफुल कम्युनिटी है, उनके इस रिवोल्ट ने ये दिखा दिया कि वो भी एक मजबूत लोग हैं, वो भी एक ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाना जानते हैं, और अपने अधिकारों को वापस से पाना जानते हैं, ठीक है। इट शोड वन अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे ये बात पता चल गई है, यहाँ पे ये मैसेज दिखा दिया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं वो कमजोर नहीं है, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, उनके अंदर इतनी क्षमता है
कि वो ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे आंदोलन कर सकते हैं यदि उनके ऊपर अत्याचार हो, यदि उनके ऊपर अन्याय हो, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल को भी विवश किया और उनको उनके राइट्स वापस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिरसा मूवमेंट हमने डिस्कस किया, या हम बोल सकते हैं मुंडा मूवमेंट हमने डिस्कस किया। देखिए मुंडा मूवमेंट अगर टाइम की बात करें तो 1890 से आप इसे 1900 तक मान सकते हैं। इट मीन्स ये जो मूवमेंट है ये 1890 से हम इसे 1890 से हम इसे 1900 तक का टाइम जो है वहां तक का मूवमेंट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1890 से 1900 तक में ये मूवमेंट हम समझ सकते हैं। इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1900 में हुई थी, डेथ जो हुई थी वो 1900 या 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छा ये लिखा हुआ है 1900 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और रांची झारखंड ये मेन रीजन है, ये मुख्य क्षेत्र है, झारखंड वाला जो क्षेत्र है ये मेन एरिया था, ठीक है ना। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसमें ये एरिया आता था, उसमें ये रीजन आता था, ठीक है। तो अब हमने तीन मूवमेंट डिस्कस किए हैं, तीन आंदोलन डिस्कस किए हैं, तीन रिवोल्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला रिवोल्ट या पहला मूवमेंट जो था, फर्स्ट मूवमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका कौन सा, नील मूवमेंट या नील आंदोलन, नील विद्रोह, जो बंगाल के ही लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, बंगाल के ही लोगों के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट से, उधर वाले रीजन से। फिर दूसरा जो मूवमेंट था, जो दूसरा जो आंदोलन था वो हमने डिस्कस किया, पाबना मूवमेंट, पाबना आंदोलन, ठीक है, वो भी बंगाल से ही था, ठीक है, ईस्ट बंगाल यानी पूरी बंगाल जो आज के समय बांग्लादेश है वहाँ पे पाबना आता है, ठीक है। और तीसरा जो मूवमेंट था वो हमने डिस्कस किया, मुंडा मूवमेंट या मुंडा आंदोलन, इसे हम ट्राइबल मूवमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, एक जनजातीय आंदोलन के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोर्थ मूवमेंट डिस्कस करेंगे, चौथा आंदोलन जो एक रिलीजियस मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन, ठीक है। कूका मूवमेंट देखिए काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कूका मूवमेंट। और ये जो कूका मूवमेंट था, जो कूका आंदोलन था, ये रिलेटेड है सिख धर्म से या फिर पंजाब से, तो पंजाब से संबंधित है कूका मूवमेंट। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कूका मूवमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है।